प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ व्यंजन। च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का, ज झंडे का, ई अ। हमने इसका मौखिक अभ्यास कर लिया है, मौखिक प्रैक्टिस कर ली है। आज मैं आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस बताऊंगी, यानी कैसे लिखते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से उसको टर्न करके ऐसे जाएंगे और स्टैंडिंग लाइन बना देंगे और उसके ऊपर एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, छह चम्मच का। छह छाते के लिए क्या बनाएंगे हम, यहाँ से ये जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा कर्व बनाएंगे, फिर वापस अंदर जाएंगे, फिर बाहर आके इसको ऊपर जाके थोड़ा सा अंदर से बाहर निकल जाएंगे। ये बन एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे और एक स्लीपिंग लाइन लगा दी, ये बन जाएगा अपना छह छाते का। जब जहाज के लिए हम बनाएंगे, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन लगा देंगे, स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे और छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना के इस लाइन को ज्वाइन करके ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा अपना ज जग का। अब ये इमली तो हमको बनाना आती है, तो पहले हम क्या बना देंगे, टमाटर का बनाएंगे, डमरू का बना के ऐसे उसको अंदर से टर्न कर लेंगे, ये बन जाएगी अपनी इमली का बन गया। और इसके अंदर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बना देंगे और इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे स्लिपिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा अपना ज झंडे का। अब हमको यहाँ पर क्या बनाना, ई, तो हमको उल्टा सी बनाना, सी तो बनाना आता है ना, तो अपन क्या करेंगे इसको यहाँ से बैकवर्ड कर्व बना देंगे, यानी इसको बोलते हैं बैकवर्ड कर्व। फिर यहाँ पे एक छोटी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बना देंगे और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे, तो इसी तरह हमको बोल बोल कर लिखना है, स्पीक एंड राइट, बोल बोल कर लिखना है। पेरेंट्स, आप भी बच्चों को ऐसे कॉपी में छ चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का, ज झंडे का, ई अ ऐसे सेट करके दीजिए। उसी के नीचे आप क्या करें, डॉट, छोटे छोटे डॉट बना के दे दीजिए और बच्चे को गाइड करें कि कैसे लिखना है। फिर से स्टार्ट करें, छोटी सी स्लिपिंग लाइन और ये स्लिपिंग लाइन बनी, वहीं से उसको नीचे से अपन क्या करेंगे, टर्न कर लेंगे और ऊपर जाएंगे और स्टैंडिंग लाइन बना देंगे ऐसे और उसके ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, छ चम्मच का। अब छाते के लिए छोटा सा कर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, बाहर आके फिर ऊपर जाएंगे और उसको अंदर से लाके बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे, तो ये बन जाएगा अपना छ छाते का। ये स्टैंडिंग लाइन भी लगाएंगे और उसके ऊपर एक स्लिपिंग लाइन लगा देंगे, ये बन जाएगा अपना छ छाते का। जो जहाज में पहले अपन क्या बनाएंगे, हम स्लिपिंग लाइन बना देंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर छोटी सी स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे टर्न करके ऐसे बनाएंगे, ये बन जाएगा ज जग का। क्या बन जाएगा, जग। अब ज झंडे का हमको आता है, तो पहले ई इमली जैसा बनाते हैं ना ऐसे बनाएंगे, ये इमली का बना लिया, फिर यहाँ से एक स्लिपिंग लाइन लगा दी, स्टैंडिंग लाइन बना दी, ऊपर से एक और स्लिपिंग लाइन लगा दी, ये बन गया अपना ज झंडे का। अब ई, तो बैकवर्ड कर्व हमने सीख चुके हैं, हमको आता ही है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे बैकवर्ड कर्व बना देंगे, फिर यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और उसी के ऊपर एक स्लिपिंग लाइन लगा देंगे, ये बन जाएगा अपना ई। तो हमको छ छ ज ज ई, फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, छ छ ज ज ई। हम क्या करेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, लर्न करने में इजी रहेगा। फिर से रिपीट करेंगे, छ छ ज ज ई। आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है कॉपी में, ओके। और क्या करना है, बार बार मैम आपको बोल रही है ना कि कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी है, पेरेंट्स प्लीज आप बच्चों से होमवर्क करवाइए, घर पे आप उनको लेके बैठिए और प्रैक्टिस करवा के फोटो क्लिक करके आप मुझे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ओके, थैंक यू।